गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी लेसन 4 एग्रीकल्चर, और ये उसका वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में हमने कुछ क्रॉप्स के बारे में अध्ययन किया, इसमें आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गया, व्हीट हो गया, ये सब बारे में पढ़े हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो है हमारा मेजर क्रॉप्स में, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका मेज है। मेज है, कॉटन है, जूट है, कॉफी और टी है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या सबसे मेनली रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए मेज के लिए, या फिर उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, या फिर किस कंट्री में, किस एरिया में इसके डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर होती है, हम बात करते हैं। देखते हैं तो आप पेज नंबर 45 निकाल लीजिए। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, नॉर हॉट नॉर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ओके, एंड लॉट्स ऑफ द सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्राइंड फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। इन कंट्री में यहाँ पर मेज की ज़्यादा सबसे प्रोडक्शन जो है होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कॉटन है। जहाँ पर पता है कॉटन जो भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री करते हैं, जो क्लॉथ वगैरह हम लोग जो वियर करते हैं, वो आपको कॉटन से ही प्रोडक्शन होता है। तो इसकी देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट क्या होता है। हाई टेम्परेचर कॉटन की ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल यानी कि हल्की जो है वर्षा होनी चाहिए, एंड 210 फर्स्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट ग्रोथ, यानी कि इसके लिए ज़्यादा अधिक मात्रा में टेम्परेचर और रेनफॉल हल्की सी जरूरत पड़ती है। और ये मेनली ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, यानी कि जो इसके लिए ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल जो है सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। किसके लिए? ब्लैक मतलब कॉटन के लिए। आता है कि नेम द सॉइल विच बेस्ट फॉर द कॉटन, तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, ओके। और इसके सबसे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है आपको चाइना में, इसके बाद यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट में। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन है, और इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है उस सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? आपका कॉटन। नेक्स्ट आपका जूट है। तो जानते हैं कि जूट बैग वगैरह, जूट का बैग मतलब अदर बहुत सारे मटेरियल जो हैं आप मार्केट में देखते हैं, हम लोग डेली उपयोग करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि प्लास्टिक जितने से जितने काम हम यूज़ करेंगे, प्लॉथिंग यूज़ करेंगे, तो हमारे क्या होगा, लैंड के लिए ये बेटर होगा। लैंड डिग्रेडेशन या लैंड जो हम लोग पॉल्यूशन करते हैं उसके लिए ज़्यादा आपका यूज जूट बैग से कम कर सकते हैं। तो जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, सो गोल्डन फाइबर भी हम लोग कहते हैं। इट ग्रो वेल एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसके लिए भी एलुवियल सॉइल इंपॉर्टेंट होता है और आपको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ओके। हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके लिए हैवी रेनफॉल भी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन द ट्रॉपिकल एरिया, और ये ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा ग्रोन होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट के बारे में बता दें आपको हम, जूट सबसे हमारे कंट्री में नियर अबाउट 1854 में, 1875 सबसे पहले कलकत्ता में जो है इंडस्ट्री सेटअप की गई थी। और कोलकाता में हुगली रिवर के किनारे जो है आपको 3 किलोमीटर चौड़ा और 98 किलोमीटर जो है लंबा जो एरिया था, एरिया है जहां पर जूट प्रोड्यूशन वो एरिया जो है वहां सबसे अधिक जूट की मतलब एग्रीकल्चर होती है। और आफ्टर इंडिपेंडेंट जब पार्टीशंस हुआ बांग्लादेश और इंडिया का, तो क्या हुआ कि उसमें मैक्सिमम जो जूट मिले थी वो चली गई बांग्लादेश में। तो हमारे कंट्री का जूट प्रोडक्शन था थोड़ा सा डिले, मतलब वो कम हो गया। लेकिन इससे मतलब बात वो है कि जूट का सबसे इम्पोर्टेंस, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, कभी कभी बैन लग जाता है, या हमेशा होता है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करके जूट का हमें अधिक यूज करने पर ध्यान देना चाहिए। तो यह जूट की प्रोडक्शन उस पर भी डिपेंड करती है। इसको हम 9th क्लास में जाएंगे, 10th में तो अच्छी तरह से इसको और गहरा अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट है कॉफ़ी। जानते हैं कॉफ़ी आपका एवरेज प्लांट में है, कॉफ़ी और टी जो होता है। कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेनेड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोस्ट स्टेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ब्राज़ील इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर्स बाई फॉलोड बाई कोलम्बिया एंड इंडिया, यानी सबसे अधिक जो है यह ब्राज़ील में होता है, इसके बाद इंडिया और कोलम्बिया में भी इसकी प्रोडक्शंस होती है। और नेक्स्ट आपका है टी। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन, इसकी प्लांटेशन के माध्यम से खेती होती है, और ये बेवरेज प्लांट है, पेय पदार्थ है। आपको इसके बारे में बताना ज़्यादा ही नहीं है, आप जानते हैं चूंकि चाय के बारे में। दिस रिक्वायर अ कूल क्लाइमेट, इसे ठंडा प्रदेश चाहिए इसके लिए, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टेंडर
लीव्स, यानी कि इसके अधिक प्रोडक्शन के लिए जो है हाई अमाउंट में रेनफॉल की आवश्यकता भी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हम इसे बात करते हैं, आप देखा हम लोगों ने एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में नियर अबाउट 70 या 2/3 पॉपुलेशन जो है आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है। तो हमारी जाहिर सी बात है कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अगर जितना अधिक से अधिक होगा उतने ही लोगों क्या उतने ही लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को जॉब प्रोवाइड होगा और लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, या डेली जो बेसिक नीड्स हैं उसका फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग जो ये आपको रिक्वायरमेंट होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल फील्ड पर बहुत सारी न्यू जो है आपको इक्विपमेंट्स नए सिस्टम्स जो है गवर्नमेंट ने डेवलप कर रखी है ताकि इसमें जो प्रोडक्शंस है वो अधिक से अधिक हो सके। देखते हैं हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लगाई है, इसमें क्या क्या मतलब डेवलप हुआ है। तो बात करते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड द इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन कंट्री का बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, ऐसे बहुत सारे नए नए जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप की है ताकि हमारे बढ़ते हुए डिमांड को मेंटेन किया जा सके। दिस कैन अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे आपको क्रॉप्ड एरिया जैसे फसल जो होती है क्रॉप्स होती है उस पर छोटे स्पीच ऑफ लैंड पर होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके अधिक लैंड को मतलब मैक्सिमम को यूज़ किया गया ताकि उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सके। सपोज जहाँ इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो पाती थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पर कैनाल्स की व्यवस्था की, वहाँ इरीगेशन की नई टेक्नोलॉजी के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया ताकि वैसे भी लैंड जहाँ एग्रीकल्चरल की अभाव में नहीं हो पाता है सॉरी इरीगेशन के सेंस में एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है वैसे एरियाओं को भी डेवलप करने का काम किया गया ताकि वैसे भी लैंड का एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज हो सके। इसके साथ साथ जो है इम्प्रूविंग एरीगेशन फैसिलिटी, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो आपकी लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो लॉस होने से बचने के लिए या उसको फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने तरह तरह के फर्टिलाइजर्स तरह तरह के इक्विपमेंट जो है उसको डेवलप की है। और हाई यील्डिंग सीड यानी कि हाई वैरायटी के सीड्स को हम लोग HIV सीड मतलब बोलते हैं, HYV जो सीड्स हैं इसको बोलते हैं, जो काफ़ी जो है अधिक प्रोडक्शन देता है। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और मैकेनिज्म यानी कि कई तरह के तकनीकी से खेती की जाती है ताकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अधिक होने से क्या, और हम खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर है। आज हमारा कंट्री जो है इतना बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया है कि अगर हमें 1, 2 या 3 ईयर तक काफ़ी जो है प्रोडक्शन ना भी हो तो भी हमारे कंट्री का कोई व्यक्ति जो है भूखा नहीं रह सकता है, चूँकि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हमें इसमें कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट इसका ज़्यादा हुआ है। डेवलपिंग कंट्री लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चरल वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर द सब्सिस्टेंस। और जहाँ डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप नहीं हुआ है वहाँ भी एग्रीकल्चरल को लेकर के बहुत सारे इंटेंसिव तरीके से खेती की जा रही है ताकि लोगों को अधिक से अधिक जो है इसका बेनिफिट मिल सके। लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चरल इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो है एग्रीकल्चरल को कमर्शियल करने का प्रयास किया गया है ताकि वहाँ पर लोगों को अधिक से अधिक इसमें फैसिलिटी मिल सके। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडी ऑफ फार्म, 1 फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द USA। लेटस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया में किस तरह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया गया है, और एक नेक्स्ट पॉइंट है फार्म इन USA जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।